डिस्कशन से पहले एक अहम बात यह है कि जितने भी प्रेसिडेंट केस ला है जो हमने डिस्कस किए हैं या जो डिस्कस हो रहे हैं वो मैं डिस्कशन या लेक्चर जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा गूगल ड्राइव का, जिस पर मैंने ये अपलोड किए होंगे। आप विजिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हो और आपको वक्त ज़रूरत काम भी आएंगे। हम रीड जुरिस्डिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, अब हम वो ग्राउंड्स डिस्कस करेंगे जिन ग्राउंड्स पर रीट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होता है। हमारे सामने केस ला है, रेफरेंस जो है 2023 SCMR पेज जो है 1434, सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच का जजमेंट है, केस ला है। जो सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच होता है उसमें 2 justices होते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो रीट पिटीशन है क्या अपील और निगरानी का मुतबादल है या नहीं है, और इस ग्राउंड पर पिटीशन दायर करना के रिवीजन का मुतबादल समझ के या अपील का वो मेंटेनेबल होता है या नहीं। पैरा ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। स्कोप Constitutional jurisdiction of the High Court as provided in Article 199 of the Constitution is well defined and its invocation is limited in scope against appellate decisions. जो रीट jurisdiction है वो बताया गया है Article 199 में, address किया गया है और well defined है यानी खूब एक्सप्लेन किया गया है और लिमिटेड स्कोप है अगेंस्ट एपेलेट जुरिस्डिक्शन का जो फैसला हो या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो फैसला हो उसके खिलाफ एक हदूद में ये रीट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल होता है। अब वो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बताया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू फोस्टर जस्टिस यानी प्रमोट या डिवेलप जस्टिस, प्रोटेक्ट राइट्स एंड करेक्ट एनी रॉन्ग्स फॉर विच इट एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू रेक्टिफाई रंगफुल आर एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय लोअर कोर्ट्स आर एनी अथॉरिटी एंड एड्रेस प्रोसीजरल इलीगलिटी आर इरेगुलरिटी दैट मे हैव प्रिजुडिस अ केस। तो ये तो आसान अल्फाज है और समरी बताई गई है कि जो मकसद है आर्टिकल 199 के तहत जो पावर दिया गया है हाई कोर्ट का उसका मकसद क्या है और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया कि जहाँ पर इलीगलिटी हो, इरेगुलरिटी हो, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या विदाउट जुरिस्डिक्शन कोई आर्डर हो यानी एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो तो उसको टी करने के लिए, करेक्ट करने के लिए और रॉन्ग को दूर करने के लिए रीट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल है जिसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं इस केस ला को, हाउ एवर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी इन्वोक्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रिवीजन और एन अपील। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है वो निगरानी और अपील का मुतबादल नहीं हो सकता है और मुतबादल नहीं है, यानी इन ग्राउंड पर रीट पिटीशन दायर नहीं किया जा सकता है और अगर दायर भी किया जाए तो वो मेंटेनेबल नहीं होगा। अब वजह बताइए क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन कैन नॉट रीअप्रेज द एविडेंस एंड डिसाइड द केस ऑन इट्स ओन फैक्ट्स। यानी हाई कोर्ट जो है वो एविडेंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है रीट जुरिस्डिक्शन में, तो जो अपील और रिवीजन के मुतबादल अगर दायर किया गया है पिटीशन तो उसमें तो एविडेंस रिकॉर्ड करना या असरे नो केस को देखना जो है वो रीट जुरिस्डिक्शन में शामिल ही नहीं है, वो स्कोप ही नहीं है, तो इसलिए इस ग्राउंड पर पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। इंटरफेरेंस इज अनलिमिटेड ग्राउंड्स, और जो ग्राउंड्स है वो हमने बताया है कि इन ग्राउंड्स के बुनियाद पर जो हाई कोर्ट है रीट जुरिस्डिक्शन में इंटरफेरेंस कर सकता है एज एन एक्सेप्शन एंड नॉट द रूल। हाई कोर्ट इन इट्स कैपेसिटी अंडर आर्टिकल 199 लैक्स द जुरिस्डिक्शन टू री एग्जामाइन और रिकन्सिडर द फैक्ट्स ऑफ अ केस ऑलरेडी डिसाइडेड बाई लोअर कोर्ट्स। तो यहाँ पर वही बात दोहराई गई कि री एग्जामिनेशन या रिकन्सिडरेशन काम ही नहीं है हाई कोर्ट का।
जो रोल है वो क्या है, इट्स रोल इज लिमिटेड टू करेक्टिंग ज्यूरिसडिक्शनल एरर्स एंड प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटीज इंश्योरिंग द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो वही समरी फिर बताई गई कि गलती को दूर करना यही हाई कोर्ट का रीड ज्यूरिसडिक्शन में काम है और यही प्रिंसिपल या यही रूल एड्रेस किया गया है PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है पेज जो है 45 2023 SCMR पेज जो है 246 2023 SCMR पेज जो है 413। यहाँ पर मज़ीद ये बताया गया है कि अगर रीड ज्यूरिसडिक्शन को भी ओपन कर दिया गया कि वहाँ पर री एग्ज़ामिनेशन या रिकंसिडरेशन अफेक्ट हो जाए या शहादत कलम बंद किया जाए तो केसेस का सैलाब आ जाएगा और कभी भी कोई जजमेंट फाइनलिटी अटेन नहीं करेगी, यानी वो जजमेंट कभी भी फाइनल नहीं होगी और एक लॉन्ग प्रोसीडिंग होगा या जिसे कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन। और मन मकसद जो है वो ये है कि फाइनलिटी अचीव हो जाए, जो अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है या जो आखिरी फैसला दिया गया है वो फाइनल हो जाए और मज़ीद लिटिगेशन को रोक दिया जाए। हमारे सामने दूसरी केस ला है, इसमें भी यही प्रिंसिपल एड्रेस किया गया है PLD 2023 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है पेज जो है 536। यहाँ पैरा ए में पहले रीट ऑफ सरशराई को एड्रेस किया गया है और ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है और स्कोप क्या है। उसके बाद ये बताया गया है रीट ऑफ सरशराई कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अपील और रिवीजन एज इट्स स्कोप इज लिमिटेड। यानी जो रीट ऑफ सरशराई है तभी इशू होता है जहाँ पर इरेगुलरिटी हो या वाइड ऑर्डर हो या अल्ट्रा वॉरिज प्रोसीडिंग कुछ हो, तो तभी यही रीट जारी होता है और ये रीट जो है वो अपील और रिवीजन का मुतबादल नहीं है, उसकी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और यही प्रिंसिपल इन केसेस लॉ में डिस्कस हुआ है 2009 CMR पेज जो है 210 2020 MLD पेज जो है 42। हमारे सामने जो नेक्स्ट जजमेंट केस ला है PLD 2023 इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेज जो है 272 बिफोर मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस ने वर्डिक दी है या इसको अतर किया है। इस किस ला के पैरा एक्स में यह बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 199 पॉलिसी डिसीजन स्कोप हाई कोर्ट कैन नॉट सीट एज अ कोर्ट ऑफ अपील और द पॉलिसी डिसीजन एंड सब्स्टिट्यूट्स इट्स ओन डिसीजन विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट अनलेस इट इज proved that the decision has been made in the excess of jurisdiction or same is arbitrary or devoid of any justification। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ जो रीट जुरिस्डिक्शन है वो एज अपील इन्वोक नहीं किया जा सकता है, ना यह हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ अपील लगा सकता है या बैठ सकता है। नेक्स्ट जो केस ला है PLD 2022 सिंध हाई कोर्ट पेज जो है 552 डिविजनल बेंच ने ये जजमेंट पास की है। तो यहाँ पर भी यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है पैरा डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन जुडिशल रिव्यू सब्स्टिट्यूट ऑफ अपील के जो रीट ज्यूरिसडिक्शन है वो अपील का मुतबादल है या नहीं है। स्कोप जुडिशल रिव्यू इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन अपील द सेम लाइज विद इन इट्स ओन पैरामीटर्स इन केसेस वेयर अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यूजेज इट्स पावर इन अ मैनर नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन स्टैट्यूट और पासिस एन ऑर्डर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड और कमिट्स एन एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। तो कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है वो अपील का मुतबादल नहीं है या वो अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि जो अथॉरिटी है या जो इदारा इंस्टीट्यूट के तहत चल रहा है लेकिन इंस्टीट्यूट के वायलेशन में कोई काम किया है या कोई ऑर्डर पास किया है या मज़ीद कोई इस तरह एरर है जो वाज़ह है, अपेरेंट है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो उसके खिलाफ रीट ज्यूरिसडिक्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक किया जाता है और वो जो है अपील का मुतबादल नहीं है। नेक्स्ट जो केस ला है PLD 2021 पेशावर हाई कोर्ट पेज जो है 166 बिफोर रुहुल अमीन खान जस्टिस, इसने ये जजमेंट पास की है।
पर दो प्रिंसिपल बताए गए हैं। एक ये है कि पावर टू कन्वर्ट पिटीशन प्रोसीडिंग, यानी हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि एक पिटीशन को या एक प्रोसीडिंग को दूसरे प्रोसीडिंग में चेंज करे। स्टैट्यूट्स प्रोवाइड नो राइट टू अपील रिवीजन, प्रोसीडिंग्स ऑफ वन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर बाय हाई कोर्ट टू एडवांस द काज ऑफ जस्टिस, बट कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन कुड नेवर बी इन्वॉल्वड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द राइट ऑफ अपील, यानी वो अपील का मुतबादल नहीं हो सकता है। हाँ, गलती से अपील की प्रे मांगी गई है या पिटीशन दायर किया गया है तो उस अपील को या प्रोसीडिंग को रीट पिटीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। रीट जुरिसडिक्शन वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन विच कुड बी इन्वोक्ड ओनली टू मीट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन टू कन्वर्ट परमिट कन्वर्जन ऑफ रिवीजन पिटीशन इनटू रीट पिटीशन बाय एक्सरसाइजिंग सच जुरिसडिक्शन वेयर स्टैट्यूट हैड नॉट गिवन राइट टू अपील रिवीजन वुड सरकमवेंट द लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड नलीफाई द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट। तो यहीं पर यह बताया गया है कि जो हाई कोर्ट्स है उसके पास ये पावर है कि एक तरह की प्रोसीडिंग को या पिटीशन को कन्वर्ट कर दे दूसरे पिटीशन में या का प्रोसीडिंग में, जिस तरह रीट को पिटीशन को कन्वर्ट कर दिया अपील में या अपील को कन्वर्ट कर दिया रीट पिटीशन में, या इस तरह रिवीजन जुरिसडिक्शन में या रिवीजन पिटीशन में। और जो हाई कोर्ट का काम है वो ये है कि गलती को दूर करे, और स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होता है जिसमें रीट जुरिसडिक्शन इन्वोक किया जाता है। और हाँ, ये भी है कि जहाँ पर अपील और रिवीजन राइट नहीं दिया गया है लेकिन जो काम हुआ है वो कानून के ख़िलाफ़ है तो उसको टिक करने के लिए रीट जुरिसडिक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो राइट ऑफ अपील या रिवीजन के तहत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमारे सामने आखिरी जो केस ला है 2019 CLC पेज जो है 1915 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसमें भी यही प्रिंसिपल एड्रेस किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पैरा बी आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अपील स्कोप वेयर अपील इज नॉट मेंटेनेबल कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कैन नॉट बी यूज्ड एज इट्स सब्स्टिट्यूट स्पेशली वेयर नो फाइनल चैलेंजेबल ऑर्डर रिक्वायरिंग डिटर्मिनेशन हैज़ बीन पास्ड, यानी जहाँ पर अपील नहीं दिया गया है तो अपील की जगह रीट जुरिसडिक्शन जो है या रीट पिटीशन जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है वो दायर नहीं किया जा सकता है और वो अपील का मुतबादल नहीं है। हाँ, उस सूरत में दायर किया जाएगा जहाँ पर इररेगुलरिटीज़ हो, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हो या स्टैट्यूट हो या लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो इररेगुलरिटी को या जो वाइड प्रोसीडिंग है या एक्सेस आर एब्सेंस ऑफ जुरिसडिक्शन है, तो इस तरह के प्रोसीडिंग के खिलाफ जो है वो रीट पिटीशन मेंटेनेबल है लेकिन एज अपील जो है वो रीट पिटीशन दायर नहीं किया जा सकता है। और ये भी बताया गया है कि जहाँ पर फाइनलिटी हो जाए तो उसके बाद रीट पिटीशन में बाहर बजा के आना और जो मेन ग्राउंड्स है वो मौजूद ना होना तो ये केस मेंटेनेबल नहीं होता है, और अमूमन इसी तरह केसेस जो है वो आर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काज ऑफ एक्शन ही नहीं है और आप रीट पिटीशन आपने दायर कर दिया है तो आपका केस जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा।